नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। डिंडोरी जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति श्रद्धासन के संयुक्त तत्वाधान में मां भगवती की आरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन मां कर्माबाई धर्मशाला में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया और प्रसादी ग्रहण की। मां भक्तों को संबोधित करते हुए बताया गया कि परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज लोगों को साधक बनाकर समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और गांव-गांव में दुर्गा चालीसा के पाठ के माध्यम से नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। पदाधिकारियों से बातचीत में जानकारी मिली कि इनका केंद्रीय कार्यालय शहडोल जिले के व्यवोरी तहसील में ग्राम मऊ के पास पंच ज्योति शक्ति तीर्थ शुद्धाश्रम स्थित है, जहां 1997 से अनवरत अनंत काल के लिए समाज कल्याण हेतु अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। उसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे का 5 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा पाठ किया जाता है और समाज को जागृत किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले और तहसील के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सम्मिलित हुए। क्या नाम है आपका? राधेश्याम राठौर। ये कौन सा अभी जो कार्यक्रम हुआ, ये कौन सा कार्यक्रम? ये महाआरती है, जिले के दो तहसीलों में हो रही है, बजाग तहसील का गाड़ासरी कर्मा भाई धर्मशाला में और महीने के दूसरे रविवार को सामुदायिक भवन डिंडोरी में होती है। अच्छा, ये कार्यक्रम का मतलब संचालन कहाँ से होता है? ये कार्यक्रम का संचालन हमारे आराध्य परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के द्वारा पूरी भारत देश में चलाया जाता है, जो महाआरती के रूप में होती है। उस पर परम पूज्य गुरुवर एवं माता आदि शक्ति जगत जन जगदम्बा की आरती होती है और इस आरती में जुड़ने से, इस आरती में सम्मिलित होने से निश्चित ही हर मानव पूर्ण मांसाहार मुक्त हो जाता है, नशा मुक्त हो जाता है और अपने घर में एक घर नहीं मंदिर बना लेता है। अच्छा, इस कार्यक्रम में ऐसा कौन सा वो है कि नशा मुक्त हो जाते हैं? इसमें हमारे परम पूज्य गुरुवर की कृपा ही है और माता जी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा है, जिसके आरती में सम्मिलित होते हैं लोग और उनकी आत्मा गवाह देने लगती है और नशे से नफरत करने लगते हैं। तो इस क्रम से कुछ परिवर्तन आया आपके जिले में? हमारे जिले में बहुत परिवर्तन चल रहा है, जितने नए नए लोग आते हैं वो नशा मुक्त हो जाते हैं। जैसे महाआरती में आए, महाआरती में उपस्थित हुए और महाआरती में प्रसाद लिए और रक्षा कवच लेते हैं, कुमकुम लेते हैं, माँ का छवि लेते हैं और घर में ध्वज लगा लेते हैं, इसी तरह नशा मुक्त हो जाते हैं। कहाँ मिलेगा अच्छा आलू आइडिया? चलो भागो, गंदे आलू। चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा बैग मिल गया अच्छा आलू। खोज खोज के लाते हैं बिंगो के लिए अच्छे आलू, जिससे मिले आपको लाजवाब टेस्ट। बिंगो पनीर चिप्स, अच्छे आलू से बना, फ्रॉम आईटीसी।